जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा बीम है, ये ओके। अब ये बीम में जो लोडिंग होगा मेरा, वो कैसा लोडिंग होगा? ट्रांसवर्स लोड। तो लोड और फोर्स भी हम लोग देख लेते हैं, जब इतना हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो फोर्स जो हम लोग बात किए, फोर्स जिसको कि हमने बोला कि भाई इसको आप, हाँ लोड, दोनों सेम चीज है, बस देखने का तरीका अलग अलग है, आप किस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, तो जरा ये भी देख लेते हैं ना कि लोड और फोर्स ये कितने, मतलब लोड या फोर्स ये कितने तरीके का हो सकता है। तो नंबर वन, एक तरीका हो सकता है, एक एक जो टाइप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स। ओके, ये क्या है, मैं आता हूं। दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं सरफेस फोर्स। ठीक है, तो बॉडी फोर्स का मतलब क्या होता है? बॉडी फोर्स ऑलवेज एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे हुआ मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे लिखते हो कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, इस तरह से मान लो ये है, हाँ कोई बॉडी है, बॉडी पे आप हमेशा लगाते हो कि भाई यहाँ इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है एम इनटू जी। और इसको बोलते हो सर ये ग्रेविटेशनल पुल है और दैट इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर कोई डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट, मतलब कोई बॉडी है, उसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो दैट मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी एक्टिंग थ्रू दी सी जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके से आपका इनर्शियल फोर्स हो गया, वो भी एक टाइप होगा बॉडी फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ये इस तरह का जो फोर्सेज है, इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में जहाँ जहाँ होता है हम लोग उसको पढ़ते हैं। अच्छा, सरफेस फोर्स जो होता है, सरफेस फोर्स आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि कोई स्ट्रक्चर है जैसे ट्रस वगैरह पढ़ते हो या कोई बॉडी, तो आप उसको क्या करते हो, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, चीज़ों को जो जो ऑब्जेक्ट है बीम है उसको आप कट करते हो, कट करते हो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। और मतलब कहने का मतलब है सिंपल सा बात कि जब सरफेस फोर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा तो आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, एलिमेंट को कट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तब अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, सरफेस फोर्स जब जरूरत हो था हम लोगों ने देखा, बॉडी फोर्स भी देखा। आज जो हमको बात करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स, हाँ एक मिनट, मैंने भाई आपको क्या बता दिया यहाँ पे, बॉडी फोर्स, सॉरी ये सरफेस फोर्स नहीं, ये होगा, ध्यान देंगे, ये होगा इंटरनल फोर्स। मैं बात कर रहा था, बोल रहा था इंटरनल फोर्स के बारे में, मैं लिख रखा हूँ सरफेस फोर्स, इंटरनल फोर्स। ओके, मतलब इंटरनल फोर्स को स्टडी करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो अभी जो लोडिंग सिचुएशन देखेंगे वो मेरा टाइप होगा सरफेस फोर्स का। ओके, सरफेस फोर्स जिसको कि हम लोग सरफेस ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मतलब इस टाइप का, ये आपने समझ लिया कि बॉडी फोर्स ऑलवेज एक्ट्स थ्रू द सीजी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटरनल फोर्स समझ गया कि इंटरनल फोर्स का स्टडी दैट इज रिलेटेड टू द वो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह ऐसे ऐसे। जो सरफेस फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, लाइक आपका ये हो गया, ये हुआ इस सरफेस पे जो आप ट्रांसफर डायरेक्शन में जो लोड लगा रहे हो, हाँ इसमें किस तरह का लोडिंग होता है, एक होता है भाई ये हो गया, हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हाँ जो पर यूनिट लेंथ, मान लो कि W, हाँ यूनिट लेंथ पे W, फिर W, तो यूनिट पर यूनिट लेंथ, ये हुआ UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। या आपका हो सकता है पॉइंट लोड, ये हुआ पॉइंट लोड। तो एक हम लोग को समझ में आया कि
कि जो सरफेस फोर्स हुआ, जिसको कि सरफेस ट्रैक्शन बोल रहे हैं, ये बेसिकली दो तरीके का हो रहा है। एक हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड, और दूसरा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये मान लो कि हुआ, मान लो उसको मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, ठीक है जी। तो एक तो हुआ कि पॉइंट लोड जो सरफेस के किसी पॉइंट पे लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, उस फाइनाइट डिस्टेंस पे ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग UDL बोलते हैं, UVL बोलते हैं। चीज़ों पे हम लोग विस्तार पूर्वक आएंगे, लेकिन ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है।